अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की अच्छी आदतें कैसे बनें। अक्सर देखने में आया है हम बुरी आदतें बड़ी जल्दी से अपना लेते हैं और अच्छी आदतें अपनाने में बड़ा टाइम लगता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अक्सरियत लोगों का पूछने वाला सवाल ये होता है, हम बुरी आदतें जल्दी अपना लेते हैं, ये इरशाद फरमाइए कि अच्छी आदतें कैसे अपनाएं। इसका जवाब हम इसी तरह दे सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है आपके सामने, अच्छी सोबत मिले नीज़ घर का माहौल अच्छा हो तो अच्छी आदतें बनती हैं। मतलब घर में आपका अच्छा माहौल होगा तो आदतें अच्छी होंगी, अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो बच्चे की आदतें भी अच्छी नहीं होंगी। आजकल घरों में गुनाहों भरे चैनल चल रहे होते हैं, माँ बाप बात बात पर लड़ रहे होते हैं, नीज़ गाली गलौच वाला माहौल भी होता है। ऐसी सूरत हाल में बच्चों का अच्छी आदतों में परवरिश लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि माहौल ही की वजह से ही बच्चा परवरिश करता है। माहौल जैसा होगा बच्चा परवरिश वैसे ही करेगा और वो बुरी आदतों में उठान ले रहे होते हैं। अच्छी सोबत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कहा गया है सोबत असर रखती है, यानी कि अगर सोबत अच्छी होगी तो उसका असर अच्छा होगा, अगर सोबत अच्छी नहीं होगी तो उसका असर भी अच्छा नहीं होगा। माँ बाप को चाहिए कि घरों में नेक माहौल बनाए और नमाज़ें पढ़ें, उनकी देखा देखी बच्चा भी नमाज़ें पढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने जब से आँख खोली घर में वालदा और बड़े भाई को नमाज पढ़ते देखा। मैं जब 1.5 या 2 साल का था उस वक्त वालिद साहब वफात पा गए थे, घर में नमाज का ज़हन था, सफ़ेद कपड़ा बिछा कर उस पर बादाम पढ़े जाते थे। ये नहीं मालूम कि क्या पढ़ते थे, लेकिन अदाब व एहतराम के साथ यह सिलसिला होता था। उसे देख देख कर अल्लाह अल्लाह करने का ज़हन बना। घर में रमज़ान शरीफ के रोज़ों का भी बहुत पक्का माहौल था, बड़े भाई माहौल के लिए साथ मस्जिद ले जाया करते थे। यूँ बचपन से ही मस्जिद का रुख हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ बैठा हूँ। अल्लाह ना करे अगर मेरे घर में ये माहौल ना होता तो आज ना जाने कहाँ होता। ये अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि मुझे ऐसे घर में पैदा फरमाया जहाँ नमाजें पढ़ी जाती थीं। वालदैन को चाहिए कि घर में नमाजें पढ़ा करें ताकि बच्चे भी नमाजें पढ़ें। नमाज अल्लाह पाक की रजा के लिए पढ़नी चाहिए, लेकिन इसका ज़मनी फ़ायदा ये होगा कि बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। इसी तरह अगर अल्लाह अल्लाह करेंगे तो बच्चे भी अल्लाह अल्लाह करना सीख जाएंगे। अगर गुनाहों भरे चैनल चलते रहें, मौसीकी गाने बाजे डांस गाली गलूच और मारा मारी का माहौल रहा तो बच्चे भी शायद 2 कदम आगे निकल जाएं। अल्लाह करीम अच्छी आदतें वाला माहौल नसीब करे। ये था आज का हमारा